हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा, सब्जेक्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन EMR इंटरेक्शन इन एटमोसफेयर, ओके, इन विच टू कंस्टिट्यूएंट दैट इज प्योर गैस। फर्स्ट वन इज प्योर गैस एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलेट मैटर। After that we start next in this net effect of the atmosphere varies with the atmosphere में net effect होता है वो किस किस के साथ वेरी करता है। एटमोसफियर में जो नेट इफेक्ट होता है जिसका ये हम आज बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो किस किस पे जो है वेरी करता है। तो फ्रेंड्स, वो जो वेरी करता है फर्स्ट है डिफरेंस इन पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की जो डिफरेंस होता है पाथ लेंथ में उसके साथ वेरी करता है। एंड नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी सिग्नल, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी सिग्नल दैट इज बीइंग सेंस्ड। ओके, एनर्जी सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि सेंस होता है उस पर या उसके साथ वेरी करता है। नेक्स्ट जो एटमोसफेयर में जो कंडीशन है वो प्रेजेंट है उनके साथ वेरी करता है। एंड नेक्स्ट वेवलेंथ इन्वॉल्व, जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती है इन्वॉल्व होती है। द नंबर ऑफ फोटोज दैट इज द सेंसर, द नंबर ऑफ फोटोज, ये जो फोटोज का जो नंबर है कितनी फोटो है, ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोज दैट रीच द सेंसर कैन ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो है कई सोर्सों से क्या होती है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जो भी डायग्राम हम बनाएंगे उसमें भी इनको देखेंगे। ओके, तो देखते हैं नंबर ऑफ फोटोज दैट रीच द सेंसर ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज शोन इन फिगर। फिगर अपन ड्रॉ करते हैं, आपको वहाँ पर लिखेंगे जो है रे फर्स्ट का कार्य क्या है, रे फर्स्ट क्या है, रे सेकेंड क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ डायग्राम, यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर बना लिया सेंसर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सेंसर बना लिया, ठीक है, और ये है अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड दैट इज सेंसर। तो यहाँ से जो फर्स्ट रे है फर्स्ट सीधा ओरिजिनेट हुई उस सेंसर तक पहुंची, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड रे यहाँ पे पहुंची, ओके। थर्ड रे की बात करें तो जो थर्ड रे है वो यहाँ पे पहुंच गया। नेक्स्ट ये फिर आगे जाके कौन सी रे हो गई, फोर्थ, ठीक है, या फिर फोर्थ को आप यहाँ पे ले लो, थोड़ा सही कर लीजिएगा। फोर्थ के बाद फ्रेंड्स बात करें तो ये जो है ये जो रे है ये कौन सी रे हो गई, फाइव फिफ्थ, ठीक है, फिर फर्स्ट देन फर्स्ट हो गई, देन ये सेकेंड, देन थर्ड, द फोर्थ एंड फिफ्थ एंड दैट इज सिक्स्थ रे। ओके, ये क्या है, इसका डायग्राम है, ये वेरियस सोर्सेज ऑफ रेडिएशन रीचिंग सेंसर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन के जो अनेक कई प्रकार के सोर्स हैं, रेडिएशन वेरियस सोर्सेज ऑफ रेडिएशन रीचिंग सेंसर, कहाँ तक पहुंचे स्टूडेंट से सेंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लो, नेक्स्ट अभी बात करते हैं रे फर्स्ट क्या है, रे सेकंड क्या है, रे थर्ड क्या है, तो इस पर कर लो स्टूडेंट्स, इस पर कर लिया। अब
बात करता हूँ ब्रेक फर्स्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्या है? फोटोन विच लीव द सरफेस। फोटोन लीव द सरफेस, फोटोन जो भी सरफेस को छोड़ चुके हैं एंड रीच सेंसर विदाउट द एंड रीच सेंसर विदाउट द सेंसर तक पहुंच रहे हैं। मतलब बिना किसी परिवर्तन के ये जो है कहाँ तक पहुँच रहे हैं? सेंसर तक पहुँच रहे हैं। ये फर्स्ट जैसा अपने डायग्राम में देखा था उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दिस कंस्टिट्यूट्स यूजफुल सिग्नल, दिस कंस्टिट्यूट यूजफुल सिग्नल। ये जो कंस्टिट्यूट है ये कैसे क्या है? यूजफुल सिग्नल किसके लिए? फॉर रिमोट सेंसिंग। इसके लिए रिमोट सेंसिंग के लिए। ओके ये हो गई ये फर्स्ट की बात। अब थ्री सेकेंड के लिए अगर बात करें तो थ्री सेकेंड क्या है? फोटोन विच लीव द लेंड, फोटोन विच लीव द लेंड किसको छोड़ रहे हैं? लेंड को या फिर सी सरफेस? लैंड को छोड़ रहे हैं या फिर किसको छोड़ रहे हैं? सी सरफेस। फोटोन विच लीव द लैंड सी सरफेस हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंसर, हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंसर। ठीक है, रेस सेकंड क्या थी? यहाँ पर फोटोन थे जो छोड़ रहे थे किसको? सी सरफेस पर, लेंड को किसकी डायरेक्शन में? सेंसर के डायरेक्शन में। बट विच आर एब्जॉर्ब बाय इंट्रैक्शन, बट विच आर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बाय इंट्रैक्शन विद द एटमोसफेयर। किसके साथ? एटमोसफेयर के साथ, विद द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर। दूरी की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो रे अपना थर्ड रे, थर्ड रे की अपन यहाँ पर बात करेंगे तो फोटोन डाइवर्टेड आउट ऑफ सेंसर्स फोटोन डायवर्टेड आउट ऑफ फोटोन डायवर्टेड आउट ऑफ सेंसर्स फील्ड ऑफ व्यू बाय फील्ड ऑफ व्यू। इसको एफ ओ भी लिख सकते हैं, श्योर में एफ ओ भी इसको जो है अपन लिख सकते हैं, एफ ओ भी लिखा है इसको तो व्यू बाय स्केटरिंग, बाय स्केटरिंग किसके द्वारा? स्केटरिंग के द्वारा एज ए रिजल्ट ऑफ एटमोस्फेरिक इंट्रैक्शन, एटमोस्फेरिक इंट्रैक्शन, एटमोस्फेरिक इंट्रैक्शन। तीन दिन की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों अपने पास बच रही है। फोर्थ फिफ्थ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फोर्थ फिफ्थ पर बात करते हैं यहाँ पर।
एटमोस्फेरिक इंट्रैक्शन, ठीक है ना। फोर्थ की अभी बात करें, फोर्थ की अगर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो फोर्थ के लिए लिखेंगे फोटोन ऑफ ईएम एनर्जी। फोटोन ऑफ ईएम एनर्जी विच आर इमिटेड बाय द विचार इमिटेड बाय द एटमोसफेयर इटसेल्फ, बाय द एटमोसफेयर इटसेल्फ। नेक्स्ट रिफ्लेक्ट, फिफ्थ रे की यहाँ पर अपन बात करते हैं, फिफ्थ में लिखेंगे फोटोन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन ऑफ एनर्जी। जो फोटोन की एनर्जी किसकी, फोटोन की, फ्रॉम द इल्यूमिनेटिंग सोर्स, फ्रॉम द इल्यूमिनेटिंग इल्यूमिनेटिंग सोर्स सन और एक्टिव रडार सोर्स, एक्टिव रडार सोर्स, ठीक है। ब्रेक इट क्लोज, इल्यूमिनेटिंग सोर्स में क्या है, सन और एक्टिव रडार सोर्स विच आर स्कैटर्ड इनटू, विच आर स्कैटर्ड इनटू, विच आर स्कैटर्ड इनटू द एफओबी ऑफ द सेंसर, एफओबी ऑफ द सेंसर। एफओबी व्हाट इज एफओबी, फील्ड ऑफ व्यू। तो विच आर स्कैटर्ड इनटू एफओबी ऑफ द सेंसर विदाउट टचिंग द सरफेस, विदाउट टचिंग द सरफेस को जो है बिना टच किए गए। पांच हो गए, एक लास्ट में है सिक्स, उसकी में बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सिक्स रे की बात करें, रे सिक्स, फोटोन विच हैव लेफ्ट द ग्राउंड, फोटोन विच हैव लेफ्ट द ग्राउंड एंड कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एरिया अदर देन एंड एरिया अदर देन द ग्राउंड एफओबी द ग्राउंड फ्रंट ऑफ व्यू सॉरी फील्ड ऑफ व्यू ग्राउंड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द सेंसर। Of the sensor and which are deflected by which are deflected by the atmospheric scattering the atmospheric scattering into the FOB of the sensor, into the FOB of the sensor,
होगा दैट विल बी ऑफ द सेंसर, जो सिक्स रे सेंसर, सिक्स रे के बारे में क्या पढ़ा पढ़ने क्या देखा, देन फोटोन विच हैव लेफ्ट द ग्राउंड एंड कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एरिया अदर देन द ग्राउंड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द सेंसर एंड विच आर डिफ्लेक्टेड बाय द एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग इनटू द एफओबी ऑफ द सेंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।